हम क्या है जमाने को बताना ही पड़ेगा। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम ये तमाम मुस्लिम कौम की बात कर रहे हैं। और मैं तमाम स्टेज वालों से गुजारिश करूंगा कि अभी जो आप कहते हो ना, ये देवबंदी है, ये वहाबी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ऐसा नहीं करना। इस वक्त हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हैं। इस वक्त हमें एक साथ होना है और एकजुट होकर के हमें इन सब चीज़ों का मुकाबला करना है। इसलिए फिरकावारान बटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक साथ होकर डटने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को तो ऐसा भी पता नहीं है कि ये होता क्या है, तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उम्मती किसका, ये नहीं पता है कि किसका उम्मती है, कलमा किसका पढ़ता, ये नहीं पता। मैं मतलब पहुंचाता हूं, मोहब्बत के साथ मुलाहजा करें। हम क्या है जमाने को बताना ही पड़ेगा, 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 बलकों में मुसलमान का दिखाना ही पड़ेगा, बलकों में मुसलमान का दिखाना ही पड़ेगा, बलकों में मुसलमान का दिखाना ही पड़ेगा। फिर वक्त वो आया है कफन बांध के सर पर, फिर वक्त वो आया है कफन बांध के सर पर, फिर वक्त वो आया है कफन बांध के सर पर, और जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा, जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा, हाँ जंग के मैदान में जाना ही पड़ेगा। भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, क्या बात है, भारत के हुकूमत से ये ललकार के कह दो, भारत के तबरेज को इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा, तबरेज को इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा, तबरेज को इंसाफ दिलाना ही पड़ेगा। आपस के झमेलों से निकल कर हमें दिल पर, आपस के झमेलों से निकल कर हमें दिल पर, आपस के झमेलों से निकल कर हमें दिल पर, एक साथ कदम मिल के बढ़ाना ही पड़ेगा, एक साथ कदम मिल के बढ़ाना ही पड़ेगा, एक साथ कदम मिल के बढ़ाना ही पड़ेगा। हम क्या जमाने को बताना ही पड़ेगा, बलकों में मुसलमान का दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा। चूंकि औलादे रसूल के चंद दुआया कलिमात भी हम सबको समाप्त करने हैं,